कैसा रहा शूटिंग के दौरान का एक्सपीरियंस? नहीं, डिफिकल्ट शूट थी बिकॉज जिस सब्जेक्ट पे हम लोग फिल्म बना रहे थे वो आसान सब्जेक्ट ही आसान नहीं है. तो हमने कोई आई थिंक एक या दो एक दो महीने एक एक 40 हाँ डेढ़ महीना हम लोग जहाँ शूट कर रहे थे. इट इज़ आई थिंक दिल्ली की मोस्ट जो डिप्लोरेबल कंडीशंस हैं स्टेइंग कंडीशंस वहाँ शूट की है हमने फिल्म बिकॉज सब्जेक्ट ऐसा है. बट यही है कि आई थिंक जो माधव दा व्हाट ही हैज बीन एबल टू ब्रिंग आउट इन द फिल्म आल्सो इसके के रहने की कंडीशंस जो भी हों जितनी भी असुविधा वाली कंडीशंस रहने की हों जो ह्यूमैनिटी है या ह्यूमन लाइफ या ह्यूमन आप कह लीजिए इमोशंस जो हैं वो किस तरह हर जगह थ्राइव करते हैं. तो हालांकि ये कहानी एक बिल्कुल ही नीचे के वर्ग के फैमिली की है बट आप देखेंगे उनके जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स या उनके जो इमोशंस हैं या एस्पिरेशंस हैं जो फियर्स हैं वो आप देखेंगे वो सेम है. वो आई थिंक आई एम श्योर आप मिडिल क्लास हायर मिडिल क्लास से या किसी भी फैमिली के साथ अगर उनकी आप सिर्फ तुलना करें तो इट विल बी द सेम थिंग. जैसे जो मेरा किरदार है फिल्म में वो एक रिक्शा पुलर का है तो उसमें भी एस्पिरेशंस सेम ही हैं जो एक मिडिल क्लास आदमी की एस्पिरेशंस होंगी कि मैं किस तरह से एक हायर इनकम ग्रुप में जाऊं जा पाऊं और किस तरह से फैमिली के जो प्रेशर्स हैं उनको बैलेंस कर पाऊं. सो आई थिंक दैट्स द ब्यूटी ऑफ द फिल्म कि आप कह लीजिए क्योंकि भाजपा इस वक्त पावर में है तो मैं कहूँगा कि दलदल में कमल गिलता है तो ये आप वैसे ही सिचुएशन है. और एक जो चीज हमें देखने को मिली फिल्म में भी एंड इससे पहले भी एक फिल्म आई थी हमने देखा था टॉयलेट जी वहां पर भी इस तरह का मैसेज था फिल्म में भी जिस तरह से बोल रहे कि ट्रैक पर इस तरह से शौचालय नहीं करना चाहिए जो कि आपकी फिल्म में भी मैसेज. बिल्कुल आप कुछ कहना चाहेंगे लोगों को? हम ट्रेन में ट्रैवल करते हैं तो उस मॉर्निंग में देखते हैं इस तरह से लोग. नहीं मैं उन लोगों को क्या कहूं आप चीज है लेकिन आप एज एन एक्टर नहीं मैं उन लोगों को कुछ नहीं कहना चाहूँगा. रणवीर जी ने कहा तो कम से कम यहाँ तो ना बैठे. नहीं पहली बात तो ये आप मस्का मार रहे. कोई रणवीर जी के कहने को कोई कुछ नहीं समझता पहली बात. दूसरी बात ये कि उन लोगों को मैं क्या कहूँ उन लोगों मैं तो ये भी नहीं ये भी कहने से कतराऊंगा कि मुझे एक फील मिली उनकी लाइफ की. नहीं यू नो ये कहने की बातें हैं कि आदमी को शौच जाने के लिए भी जगह ना हो इंसान को. मैं आई कैन नॉट रिलेट. आई मीन आई कांट से आई नो दैट फीलिंग बट यही उन लोगों को मैं कुछ नहीं कहूँगा. मैं सोसाइटी एज अ होल को कहूँगा. मैं सरकार को कहूँगा कि बहुत ही लानत की बात है कि अभी तक हम लोग ये नहीं अचीव कर पाए कि हम खुले में शौच ना जाएं लोग कि सिर्फ हम बाथरूम्स गुसलखाने बना सकें. तो ये जो खास करके जो हमारी पहले की सरकारें गई हैं अभी तो मोदी जी ने तो चलो फिर भी कोई इनिशिएटिव लिया स्वच्छ भारत अभियान लेके उसके पहले की जो सरकारें थी उनको तो मैं लानत दूंगा कि अगर 60 साल 70 साल में इस हालत में देश को छोड़ा है तो वाकई में लानत है. क्योंकि फिल्म का ट्रेलर मैंने देखा काफी रिस्पॉन्स अच्छे मिल रहे हैं कमेंट्स भी काफी पॉजिटिव मिल रहे हैं इतने सारे ढेर सारे विनर भी हो चुके और ढेर सारी जगहों पर फिल्म और भी आखिरी जाने वाली है तो आप बताइए फिल्म आने से पहले इतनी सारी चीजें हैपनिंग होती है पॉजिटिविटी होती है एज एन एक्टर क्या ठीक होता है आपका? नहीं पॉजिटिविटी हमेशा होनी चाहिए. आई थिंक फिल्म बनाते हुए भी हमारी आई डोंट थिंक पॉजिटिविटी की कमी थी. तो अब फिल्म रिलीज करते हुए भी एक बढ़िया बात यह है जैसा आपने कहा कि बहुत लोगों की गुड विशेज फिल्म के साथ हैं. आमिर जी ने फरहान जी ने और भी लोगों ने फिल्म को सपोर्ट किया है सरकार की तरफ से सपोर्ट मिल रही है और आई थिंक बहुत एक डिजर्विंग फिल्म को सपोर्ट मिल रही है ना सिर्फ जो सोशल थीम पर बट कि जो फिल्म भी बनी है अगर आप देखेंगे बहुत मज़ेदार फिल्म है. लाइक आई सेड कलर्स हैं म्यूज़िक है तथास्तु हैं इन बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस देते हुए कुमुद मिश्रा हैं बहुत अच्छे एक्टर पावली हैं. तो
आई थिंक एक होलसम एंटरटेनर है फिल्म, हालांकि एक चिल्ड्रंस फिल्म है, बट आई थिंक इट्स अ फैमिली एंटरटेनर एंड आई एम ग्लैड इट्स गेटिंग ऑल द सपोर्ट एंड आई होप पीपल गो एंड वॉच इट. क्योंकि रणवीर जी इतनी सारी जगह पर फिल्म जा रही है, लोगों को पसंद भी आ रही है एंड हर जगह से एप्रिशिएट भी मिल रहा है. एज एन एक्टर आप मानते हैं कि फिल्म को ऑस्कर में भी भेजना चाहिए? मैं इस पर कुछ नहीं कहूँगा. ऑस्कर पे जाना, ऑस्कर मिलना एक अपनी जगह है चीज़, बट आई डोंट थिंक दैट इज़ एनी मेजर ऑफ सक्सेस. आई विल जस्ट बी हैप्पी अगर लोग जाके थिएटरों में फिल्म देखें और पसंद करें, दैट इज़ इनफ फॉर मी. चलिए पिचकू जी, अब आपकी फिल्म आने वाली है तो कुछ कहना चाहेंगे आप अपने इस टीवी के माध्यम से लोगों को? मैं वैसे कुछ कहना तो नहीं चाहूँगा, मतलब जैसे मैं बोल दूँगा कि आप प्लीज़ मेरी फिल्म देखने जाए, तो कुछ लोग बोलते हैं कि हम क्यों देखने जाएँ, तो मैं कुछ उसके ऊपर बोलूँगा नहीं फिर. लेकिन जो मेरी फिल्म है ये देखने जानी चाहिए, क्योंकि जो ये फिल्म है ये एक फिल्म नहीं है. जैसे ये मतलब जैसे मैंने पहले बताया पूरी जर्नी है, तो आप मतलब इस पूरी जर्नी को जैसे देखोगे कि वो कैसे हुआ, कैसे उसका टॉयलेट बना, कितने उसके मतलब कितनी उसे डिफिकल्टी उसने ली, तो उसके ऊपर अगर आप देखोगे तो मतलब फिल्म देख के पता चलेगा. जैसे पीके थी, हमने जैसे लास्ट के सीन पे देखा कि अनुष्का जी जो है वो मतलब वो एक पूरी उसकी जर्नी बता रही है और उसको दिखाया भी है और लोगों को उसमें इंटरेस्ट भी आया, मतलब वो एक पूरी उसकी जर्नी दिखाई जा रही है. तो अगर वो अगर लोग ये जर्नी देखेंगे तो कहीं पे उठ के आँखों में आंसू भी आएंगे और कहीं वो हंसेंगे, तो कहीं उनका फ्लैट फेस रहेगा. सो दोस्तों, ये हैं पिचकू, मैं हूँ इनके पापा, और 7 सितंबर को हमारी फिल्म हल्का सिनेमाघरों में आ रही है. प्लीज देखिए पिचकू किस तरह बना हीरो.